नाम? आपको पूछना है कि नहीं पूछना है? आपका सर आज आज सर आप आए समाजवादी पार्टी कार्यालय पाए क्या? नहीं मालूम पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी नाम पूछते हो हमसे सर? सर आज कार्यक्रम में कार्यालय पाए क्या माहौल चल रहा है? चुनाव आप आज हम यहाँ पर चुनाव कार्यालय के सभागार में विश्वकर्मा समाज की बैठक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय के पक्ष में हम यहाँ लोगों से अपील करेंगे। ये लोग गांव-गांव जाकर के सभी को बताने का काम करेंगे और विश्वकर्मा समाज का पूरा वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में लगवा करके राजीव राय को यहाँ भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। क्या लग रहा है सर आपको कि जो घोसी लोकसभा में विश्वकर्मा समाज है इस मीटिंग से आपके साथ में आएगा? इसके पहले जो घोसी विधानसभा का चुनाव हुआ था तो पूरा विश्वकर्मा समाज साथ था, सुधाकर सिंह जिताने का काम किया था और इस लोकसभा में राजीव राय को भी जिताने का काम करेगा, क्योंकि विश्वकर्मा समाज का सम्मान और पहचान समाजवादी पार्टी ने बनाई है। माननीय नेताजी ने हमें दो बार MLC बनाया, दो बार समाजवादी पार्टी की सरकार में हम मंत्री रहे और विश्वकर्मा समाज की पहचान और विश्वकर्मा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने माननीय सरदेव मुलायम सिंह यादव जी ने और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया और तभी से लगातार विश्वकर्मा समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी वोट भी देगा। आज हम अपील करने आए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ का विश्वकर्मा समाज राजीव राय के पक्ष में उठे करके उनको जिताने का काम करेगा। आज PM मोदी ने बड़ी जनसभा की है, उन्होंने आरोप लगाया है कि इंडी गठबंधन जब सरकार बनेगी तो संविधान को बदल देंगे। ये तो BJP करने जा रही है, मोदी जी करने जा रहे हैं। इन्होंने नारा दिया 400 पार, 400 पार का क्या मतलब? सरकार बनाने के लिए 50% MP की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप 400 पार या 400 से ज़्यादा सीटें जीतने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में है कि 3/4 बहुमत अगर हमें मिल जाएगा तो हम संविधान में बुनियादी परिवर्तन करेंगे। और यही प्रशंका जो है विपक्ष के सभी इंडिया गठबंधन सभी नेताओं को, और यही हम बात कह रहे हैं तो आज जो है सफाई क्यों दे रही है? ये तो BJP करने जा रही है। आरक्षण हमारा ख़त्म कर दिया, पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण 27% का माननीय नेताजी ने किया, तो तमाम पिछड़ी जात के लोग केवल यादवपुर भी नहीं बल्कि विश्वकर्मा प्रजापति नाई सुनी चौरसिया साहू तेली राठौर देव निषाद मोदिया राजभर चौहान सभी बिरादरी के लड़कों को नौकरी मिली, कि कोई थानेदार बन गया, कोई DPSP बन गया, कोई SDM बन गया, कोई कलेक्टर बन गया। ये किसकी देन थी? ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन थी, जिसको श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की सरकार में और आगे बढ़ाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण पिछड़े वर्गों का खत्म कर दिया, अब पिछड़े वर्ग के एक भी लड़के को कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो जिस तरह से इन्होंने आरक्षण खत्म किया उसमें संविधान बदल देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये बहुत खतरनाक पार्टी है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो इसीलिए हम लोग समझा रहे हैं सभी को कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में, देश किसान नौजवान और मुसलमान अगड़े पिछड़े दलित सभी से हम कहना चाह रहे हैं सब लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराए और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजीव राय को जिता करके देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में मदद करने का काम करें। जहाँ तक संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि संविधान का जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, अगर हम सरकार में तो हम इसको बदलना चाहते बदल दिए होते। मोदी जी ये बता दें कि रातों रात उन्होंने जो है नोटबंदी कर दी, किसी को पता नहीं रहा, रातों रात उन्होंने ये GST लागू कर दिया, तो ये क्या कर सकते हैं? ये कहते कुछ और हैं जनता के बीच में, अब करते कुछ और हैं। हम सफाई क्यों दे रहे हैं? अगर उनके मन में चोर नहीं तो सफाई क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में है कि बदल सकते हैं। अगर वोट का अधिकार किसने दिया? ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है वोट देने का अधिकार सबको, जिसके कारण प्रधानमंत्री को भी गांव-गांव में जाकर सभाएं करके वोट मांगने का काम किया।
कल ये रोड का अधिकार खत्म कर देंगे, जनता के पास बचेगा क्या? हमारे पास तो, हमारे आप या सबके पास तो रोड का ही तो एक अधिकार है, और इसी एयरपोर्ट को पाने के लिए 5 साल में एक बार, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सबको आपके जनता के दरवाजे जाना पड़ता है। ये अधिकार हमारा, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है। अगर ये अधिकार हमारा छिन गया तो हमारे पास बचेगा क्या? नौकरी है नहीं, महंगाई लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, गरीबी बढ़ा दिया, देश की सारी संपत्तियों को, पूंजीपतियों के हाथ में नीलाम कर दिया। आज कर्जा किसका माफ़ किया जा रहा है? कर्जा पूंजीपतियों को माफ़ किया जा रहा है। जो 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ़ किया गया है, ये किसका पैसा है? ये गरीब जनता का पैसा है जो टैक्स के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा होता है, और मोदी जी ने उस पैसे को इन्होंने जो है पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ किया। किसी किसान या गरीब का कर्जा माफ़ किया? बुनकर का कर्जा माफ़ किया? पिछड़े का कर्जा कोई माफ़ किया? दलित का कर्जा कोई माफ़ किया? पूंजीपतियों को माफ़ किया? सवाल ये है कि आज इस देश में वोट मांगने आप जो है गरीब किसान मजदूर क्या जाते हैं, और कर्जा आप जो पूंजीपतियों को माफ़ करते हैं। 30 लाख सरकारी नौकरी आज केंद्र सरकार में है, 10 साल से पद खाली है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इसको आपने क्यों नहीं भरा? अभी नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दी? अगर ये नौकरी मिल जाती और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर नौकरी यहाँ के उत्तर प्रदेश के नौजवान दे देती, हमारे लड़कों को यहाँ नौकरी करने के लिए क्यों जाना पड़ता? तो सवाल ये है, नौकरी का है, महंगाई का है, रोजगार का है, गरीबी का है, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, उसका सवाल है। आप कितना दावा करते हैं सीट के लिए? योगी मोदी तो 400 की बात दावा कर रहे हैं, और आप कितना दावा कर रहे हैं? 400 दावा इनका फेल हो चुका है, ये 200 भी नहीं जीतने जा रहे, हो सकता है 140 पर ही अटक जाए, क्योंकि जनता ने निर्णय ले लिया है। जिस तरह से माहौल, जिस तरह से देखिए, अभी हम रास्ते में रसवा होते हुए आ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि चाहे नौजवान हो, किसान हो, गरीब हो, कमजोर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सब एक तरफ से मन बना लिए हैं इस बार समाजवादी पार्टी को जिताने। ऐसा है कि जब आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जितना नौजवानों का काम किया, किसानों का किया, गरीबों का किया, इन लोगों ने बिल्कुल प्रताड़ना की है। आज देखिए, नौजवान 4 साल की नौकरी दे रहे हैं अतिथि, तो मेरा मानना है कि नौजवान, गरीब, किसान, हर तबके के लोग इस बार मिलकर अपनी खुशहाली और तरक्की के लिए समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहे हैं। और मैं तो सुल्तानपुर से आता हूँ, सुल्तानपुर हम लोग कभी नहीं जीते, समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती लोकसभा का चुनाव, लेकिन इस बार हम लोगों ने वहाँ भी सुल्तानपुर लोकसभा भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। बगल में चुनावगढ़ है, अम्बेडकर नगर है, गोरखपुर है, रायबरेली है, अमेठी है, जोधपुर है, सब एक तरफा समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। तो यानी पूर्वांचल पर कब्जा पूरी तरीके से सफाया है भारतीय जनता पार्टी का। विधायक जी, आपने जब सरकार दी तो कहे थे कि परशुराम का मंदिर बनेगा, विपक्षी कहते वो बना नहीं, क्या बात कर रहे हैं? उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, हमने मंदिर बनाया था, आप लोग उसको देख लीजिए, 22 के पहले बहुत बड़ा मंदिर बनाया था, बहुत दुनिया का सबसे ऊंचा बक्सा लगाया था, उसमें अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। एक्सप्रेस वे से इसी से जाइए आप, लखनऊ पहुँचने के 5 किलोमीटर पहले बाएँ हाथ पे देख लीजिए कितना भव्य मंदिर बनाया मैंने। आपके एक मनोज पांडे थे दोस्त, वो भी आज छोड़ के चले गए भारतीय जनता पर? नहीं, हमारे दोस्त कभी नहीं रहे, समाजवादी पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, मंत्री बनाया, बहुत बड़े चलों में बताया। देखिए, धोखेबाजों कोई जात ही नहीं होती, धोखेबाज धोखेबाज होता है, क्या आप वो कभी सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे? समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का कुछ नहीं? समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान रहा, हम लोग के विधायक थे 23 MLA ब्राह्मण समाज के थे, विधानसभा के अध्यक्ष माधव प्रसाद पांडे जी थे, और आज भी 5 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। आप बगल देख लीजिए बलिया, यहाँ देख लीजिए, वहाँ लगती पार्टी देख लीजिए, वहाँ डुमरियागंज में कुशल तिवारी लड़ रहे हैं, तो हाँ, समाजवादी पार्टी सभी जातियों धर्मों को बराबर उचित सम्मान देती है। ओम प्रकाश राजभर लगातार बुनकरों को यहाँ पे लगातार सबको धमका रहे, कई प्रधानों को, कई अधिकारियों को कह रहे हैं कि अब छड़ी पर ही बटन दे रहे हैं। ओम प्रकाश जी की हालत खस्ता है, बहुत बुरा हाल है उनका, जितने भी लोग, चाहे ओम प्रकाश जी हों, चाहे उधर संजय निषाद जी हों, और चाहे ये अनुप्रिया पटेल जी हों, ये सब बुरी तरीके हार रहे, अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे। जब उनके साथ में थे तो वो कह रहे थे कि बाबा को घंटा बजवाएंगे, यहाँ पहुँचा। आप लोगों को पड़ोसी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे उन्हें, उनका कैरेक्टर क्या है,
आप भली बात परिचित हैं। हमारा तो ये मानना है कि देखिए इस बार अखिलेश जी के और राहुल जी के चेहरे पे जनता वोट कर रही, उन्हीं का भरोसा है। और आप देखिएगा इस बार अभी मंत्री जी कह रहे थे कि ये 200 भी नहीं आ रहे हैं, 150 भी नहीं आ रहे, यही सच होने जा रहा है। नेता जी आप बाहुबली चाहे कोई आप अपने दबंग विधायक माने जाते हैं, क्या कभी आपने भी अपने कार्यकर्ताओं को कभी गाली उली दिया है ओम प्रकाश राजभर ने भी? अब लोग अपने समाज की अपने जनता की रक्षा के लिए अगर कोई उन्हें प्रताड़ित करता है तो पुरजोर लड़ाई लड़ते हैं। अब उसको विरोधी कोई भी नाम दे सकते हैं। हम लोगों ने हमेशा जनता के हित में काम किया है, समाजवादी लोग हमेशा लोगों के सम्मान के लिए रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर का कई वीडियो वायरल हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपसद हो, अभी तो मोदी जी ने कहा कि राजीव राय कितने बड़े मंत्री बनने जा रहे हैं, जनता जवाब देने जा रही है उनको, उनका जो अहंकार है इसी में जनता उनको अहंकार को भी नष्ट करने की बात। ब्राह्मण किधर जा रहा है इस बार? ब्राह्मण समाज देखिए बुद्धिजीवी समाज और ब्राह्मण समाज, मैं एक बार ब्राह्मण समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों से भी बोल रहा हूँ, मैंने हमेशा ये कहा कि सबसे ज़्यादा नौकरी के ताक में ब्राह्मण समाज रहता है, प्राइड इकाई करता है, और जब नौकरी पर्चा ही लीक हो जा रहा है तो ब्राह्मणों को नौकरी कहाँ मिलेगी? तो नौजवान सचेत है, अपनी नौकरी के लिए वो भी इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है। इंडिया गठबंधन अब जीत जाती है तो क्या करें? ऐसा है, अभी आपने सुना होगा राहुल गांधी जी ने कहा खटाखट, हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा फटाफट, उसी में सब समाहित है। बिहार में क्या कहा? सफाचट। तो ये बोले जी ने भी कहा कि खटाखट फटाफट यहाँ से लेकर भगेंगे। अरे तो जनता 4 जून को जो बस्ता मशीन खोलेगा तो आप देख लीजिए क्या हाल करेगी जनता। उत्तर प्रदेश ये देखिए विश्वकर्मा समाज हमारा इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, भोला भाला समाज है, पौराणिका समाज है, इनसे पूछ लीजिए क्या करने जा रहे हैं। चुनाव आता तमाम नेता दावे तो करते लेकिन चुनाव जैसे भी जब नई नेता दिखते हैं ना उनके कार्य दिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हमेशा धरातल पर रहते हैं। हम लोगों को 22 की सरकार जबरदस्ती छीन ली गई थी, हम लोग भी चुनाव जीते हुए 2000 से हरा दिया गया, तो ऐसा नहीं है, हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं जनता के बीच में। उत्तर प्रदेश लोकसभा में हाँ तो जवाब तो जनता देने जा रही है ना, ये हराने के लिए ओम प्रकाश राजभर को हराने के लिए कैबिनेट उठ रहा है, ये भी जान लीजिए, बहुत अंदर विरोध है हमसे पूछिए।